नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों आज आपके लिए एक और नई वैकेंसी की जोश है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों यहां पर जो रिक्रूटमेंट है ITI पास की मिनिमम रिक्रूटमेंट है दोस्तों, यदि आप ITI पास है तो इसमें ज़रूर आवेदन करें। दोस्तों यहां पर जो रिक्रूटमेंट है DRDO रिक्रूटमेंट 2019 है, और दोस्तों यहां पर आवेदन करने के लिए आपको ओनली मिनिमम ITI पास होना जरूरी है। तो दोस्तों यदि आप ITI पास है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 150 अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है, अप्रेंटिस ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे फॉर्म ज़रूर भरें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप कैसे फॉर्म को भर सकें और फॉर्म की पूरी जानकारी भी मिल सके। तो दोस्तों DRDO में रिक्रूटमेंट है और जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 7/9/2019 है। दोस्तों 7/9 से पहले कर ले आपका आवेदन। और दोस्तों जो इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट होगा DRDO वेबसाइट पर जो दे रखा है वो है दोस्तों 17/9 को फर्स्ट टेस्ट होगा, और उसके बाद दोस्तों प्रोबल डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू ITI अप्रेंटिस के लिए जो होगा वो 24/9 को होगा दोस्तों। और जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप जिनके लिए फॉर्म है वो 25/9 को एंट्री होगा और रिटर्न टेस्ट होगा। और दोस्तों जो अप्रेंटिस ग्रेजुएट लेवल की जो रिक्रूटमेंट है उनके लिए जो 26/9/2019 को उनका टेस्ट और एंट्री होगा। और दोस्तों जो ग्रेजुएट डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिस को मेल या फिर DRDO की वेबसाइट पर आपको नोटिस बोर्ड जो आएगा वो आएगा 30/9/2019 को, जो जो सेलेक्ट हुए उनकी जो लिस्ट आएगी वो 30/9 को आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें जो जो भी प्रोसेस है वो फर्स्ट में ही है। तो दोस्तों यदि आप आवेदन करना चाहो तो ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है दोस्तों 7/9/2019 तक, 7/9/2019 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वो कैंडिडेट यहाँ पर सिंपली आवेदन कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पर 37 वर्ष है दोस्तों, और एज इलेक्शन का प्रावधान भी है। SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष का प्रावधान दे रखा है। और दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिए, जैसे डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है और ITI पास भी है, तो 3 क्वालिफाई की यहाँ पर वैकेंसी है। और दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है ट्रेनिंग की वो है 90 पोस्ट है टोटल, और डिप्लोमा अप्रेंटिस की जो टोटल रिक्रूटमेंट है वो 30 है, और ITI अप्रेंटिस की जो रिक्रूटमेंट है वो भी 30 है। तो टोटल दोस्तों 150 रिक्रूटमेंट है। यदि चाहो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो जो डिटेल है, जो टेस्ट है वो जल्दी जल्दी में ही है। 24/9 को ITI पास का टेस्ट है, और दोस्तों जो डिप्लोमाधारी है उनके लिए जो होए पोस्ट है उनके लिए 25/9 को एग्ज़ाम है, और दोस्तों जो ग्रेजुएट लेवल की अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट फॉर्म भरेंगे उनके लिए 26/9 को एग्ज़ाम है, और जो सिलेक्शन होगा उनका 30/9 को यहाँ पर बोर्ड पर, इस वेबसाइट की बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर आ जाएगा जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट का उपयोग करना होगा, जो वेबसाइट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है दोस्तों, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और आपकी हेल्प की जाएगी। और जो इसका नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये नोटिफिकेशन दोस्तों DRDO का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल भी अलग अलग बता रखी है दोस्तों, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी, नोटिफिकेशन का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो सैलरी रहेगी वो आपको यहाँ पर बता देते हैं, 4,984 रुपये सैलरी रहेगी यहाँ पर मंथ। उसके अलावा TA DA भत्ता वगैरह वो है मिल जाएगा। तो दोस्तों जो टोटल प्रोसेस है वो आपको बता दिया इस वीडियो में, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन की सूचना नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट का उपयोग करना होगा, rac.gov.in। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ID पासवर्ड मिलेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा। और दोस्तों यदि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद।